लाइट कैमरा एक्शन। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मुझसे अक्सर बड़े बड़े मंच पे यह सवाल पूछा जाता है कि मुझे आईपीएल इतना क्यों पसंद है। तो आईपीएल मुझे एक्चुअली निम्नलिखित कारणों की वजह से पसंद है, जिसमें मैं आज आपके सामने व्याख्या करने जा रहा हूं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आईपीएल का पहले नाम आईपीएल नहीं था, एसपीएल था, मतलब सट्टा प्रीमियर लीग। लेकिन फिर उन्हें थोड़ा सा डर लगने लगा कि लोगों को एक्चुअल में पता चल जाएगा, तो उन्होंने कहा नहीं, इसका नाम भारत से जोड़ देते आईपीएल। देखो, मैं वर्ल्ड कप देखा करता था, इंडिया पहले दूसरे मैच में बाहर हो जाता था, मुझे बड़ी तकलीफ होती थी, मैं रोया करता था, लाइक सेम टू सेम सलमान खान और मैं साथ में रोया करते थे। T20 हो चाहे कोई भी वर्ल्ड कप में तुरंत बाहर हो जाया करती थी, अपने को दुख लगता था। तो इंडिया ने अपना खुद का एक वर्ल्ड कप इजाद कर दिया कि अपने ही देश की टीमें आपस में ही भिड़ेंगे, क्योंकि देखो बाहर जाओ, बाहर के मुल्क में जाओ, अपने ही टीम के लोग एक दूसरे से लड़ भिड़ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे को तमाचे जड़ रहे हैं, ड्रेसिंग रूम में लड़ाइयां हो रही हैं। तो किसी एक बंदे ने दिमाग लड़ाया बहुत ज्यादा कि यार इनको आपस में ही भिड़वाओ, इनको आपस में लड़ने का इतना शौक है तो क्यों ना इन्हें आपस में ही लड़वाया जाए। तो उन्होंने ऐसे करके 10 टीमें बना दी और अब ये लोग आपस में ही लड़ते हैं। हर इंसान को एक टीम का कैप्टन बना दिया जो अपने आप को धुरंधर समझता था, अब ये लोग आपस में ही लड़ भिड़ के मर जाएंगे। सटोरियों के बारे में, गरीब जुआरियों के बारे में कौन सोचता था पहले, यार क्या करते, तुम क्या चाहते हो, वो पुराने जुआरी ताश पीट पीट के ही मर जाए, उनके पास और कोई सट्टे का कोई कारण नहीं, कसीनो वो जा नहीं सकते, गरीब लोग हैं, घर में टीवी देख के ताश खेलनी भी नहीं आती आधों को, तो अब घर में बैठे हैं सट्टा लगा रहे हैं, कितनी बढ़िया चीज है। गरीबों के बारे में सोचा आईपीएल ने यार कि सट्टेबाज बुकी बड़े जो पहले सटोरी हुआ करते थे, फंटर हुआ करते थे, पहले सटोरी कहा करते थे, लेकिन एक्चुअल नाम मुझे बाद में जाके पता चला इन लोगों को तो फंटर कहते हैं, जो लोग जुआ खेलते हैं, जुआ कर जो फोन करके भाई मेरा इतना उतना लगा देना, भाई उनको फंटर कहते हैं, फनकार है वो लोग, उनको पता रहता है कौन सी बॉल पे किस टाइम पे कहां चौका छक्का, भाई प्रेडिक्शन, क्रिएटिव दिमाग, उनकी क्रिएटिविटी को सैल्यूट है। एक मिनट में भाई इस बॉल पे छक्का पड़ने वाला, बहुतों की तो पड़ भी जाती है यार। बुकियों के लिए आईपीएल इज लाइक अ दिवाली, दिवाली आती है, जैसे ही आईपीएल खत्म हो जाता तुरंत एक वैगनार खरीद के ले आते हैं, वो थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है उन लोगों को। अब ऐसे लोगों के बारे में आईपीएल सोचता है यार, है तो हमारे देश की जनता भूखे मर जाए, पहले ही इतनी भूखमरी है, रोजगार मिल नहीं रहे हैं लोगों को, दुकानदारी चल नहीं रही है लोगों की, क्या करें ऐसे में। तो आईपीएल ने इन लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया, और जो लोग ये काम भी नहीं जानते थे, जिन्हें ये सट्टा भी खेलना नहीं आता था, जो जिनके पास पैसे ही नहीं थे, जो 50-100 रुपए में सट्टा खेलना चाहते थे, उनके लिए एड्स बनी है, एप्लीकेशन आ गई है, ड्रीम इलेवन मैच, वो कौन सी है, सर्कल, माई सर्कल, ऐसी ऐसी एडे आ गई, भाई 50 रुपए पे टीम बनाओ। हमारे देश के उम्दा खिलाड़ी सारे के सारे, देखो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्रिकेटर है तो वो देशभक्त होगा ही होगा, भाई क्रिकेटर आज है कल नहीं है। अब तुम लोगों को तो बुरा लगता है कि क्रिकेटर यार लोगों को सट्टा खेलना सिखा रहा, जुआ खेलना सिखा रहा, धोनी ड्रीम इलेवन पे टीम बनवा रहा, विराट कोहली भी ड्रीम इलेवन पे, सब कह रहे ड्रीम इलेवन पे टीम बनाओ, फिर बाद में एक छोटी सी हेडलाइन आ जाती है कि वित्तीय जोखिम की संभावना है। आपको सचेत कर रहे हैं वो, अपने रिस्क पे खेले, जैसे सिगरेट के ऊपर लिखा रहता है कि भैया कैंसर होने की संभावना है, फिर भी आप लोग सिगरेट पीते हो। तो जब वो लोग इसकी ऐड कर रहे हैं और उस पे कह रहे हैं वो वित्तीय जोखिम की संभावना, तो आपका रिस्क है वो, उन्होंने अपनी तरफ से पूरा पूरा बोल के बता दिया आप लोगों को। मुझे इस बात की, मुझे ये लोग सच्चे लगते हैं। क्रिकेट का क्या यार, 4-5 साल बाद नई क्रिकेट फिर क्या, हर आदमी तो कमेंट्री नहीं कर सकता ना नवजोत सिंह सिद्धू की तरह, बाकी क्रिकेटरों का क्या होगा। शिखर धवन ने अपना करियर पहले ही सेट कर लिया है, देखो कितना टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड आदमी, क्रिकेट में चले ना चले रील चल रही है लौंडे की, गाना आया नहीं तुरंत रील बना देता, पूरा फोकस उसने रील पे डाल रखा है। तो भाई अगले ने अपना फ्यूचर प्लान भी तैयार कर रखा है। विराट कोहली, सब लोगों को इतना बुरा लग रहा है, विराट कोहली ने रॉयल चैलेंज की ऐड करता है, शराब पीना सिखा रहा है लोगों को, दारू पी रहा है, हर ठेके के बाहर रॉयल चैलेंज की फोटो लगी हुई है विराट भाई। वो तुम्हें महंगाई से सस्ताई की ओर लेके जा रहा है, तुम पी रहे हो शिवास रीगल, तुम्हारे जेब में 4 पैसे आए नहीं, तुम साले जेमसन खरीदने चले गए, ग्रे गूज ले रहे हो, सब ले रहे हो। अब तुमको क्या लगेगा यार विराट कोहली रॉयल चैलेंज पीता है यार, 500 रुपए की बोतल है यार, ब्लैक में लो तो 400 रुपए की है। भाई तुम्हें बता रहा है वो, मत खर्चा करो उस महंगी शराब में, नशा भी नहीं होगा, इसी को पी लो, सस्ती को पी लो, नशा ही तो करना है तुम्हें, करना क्या है, 500 रुपए में काम बन रहा है तुम्हारा, 1000 रुपए चखने पे लगाओ ना,
जो विराट कोहली वीगन डाइट खाता है वो डाइट लो तुम, वो तुम्हें बता रहा है डाइट लो, उसके जैसा स्टेमिना आएगा तुम्हारे अंदर। कितना नेक दिल आदमी है यार, तुम यार बुराइयां करते रहते हो यार कि शराब की एड कर रहा है, सारे प्लेयर शराब की एड करते, रॉयल स्टैग की एड में सारे शराबी आते हो, शराबी करो सारे क्रिकेटर आते हैं यार, वो तुम्हें कह रहे हैं खर्चा मत करो महंगी शराबों पे, सेविंग्स करो, चखने पे खर्चा करो, चखना महंगा लाओ शराब सस्ती लाओ, ये उनका मोटो है यार। कहते जुआ खेलना सिखाते, शराब पीना सिखाते, भाई ऐसा नहीं है यार, वो तुम्हारे बारे में बहुत भला सोचते इसलिए मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, सच्चे हैं वो, झूठे नहीं है वो, अक्षय कुमार की तरह जो कहते हैं कि मेरे पास करोड़ों रुपए की गुटके की ब्रांड आती थी, मैं नहीं करूंगा, फिर जाके वो विमल गुटका बेचने लग गया, ऐड करने लग गया, बेच रहा हूं, एक ही बात है विमल गुटका बेच रहा, ऐसे दोगले नहीं है। इन्होंने कभी नहीं कहा कि हम शराब की ऐड नहीं करेंगे, हम गुटका नहीं बेचेंगे, या हम जुआ खेलना नहीं सिखाएंगे। लोग मुंह पे बोल रहे, तुम्हारे मुंह पे कहते हैं हाँ हम सिखाते हैं, लेकिन हम नीचे लिख देते हैं, कह देते हैं वित्तीय जोखिम की संभावना, अपने रिस्क पे खेलना। भाई वो क्रिकेटर है, उनको अपना घर चलाना है, अगले बंदे ने अनुष्का शर्मा से, बड़े बड़े सेलिब्रिटियों से, इतनी बड़ी बड़ी टीवी एक्टर से शादी कर रखी है, उनके खर्चे कौन उठाएगा? तुम्हें लग रहा 10 मैच में अगर विराट कोहली 8-8, 5-5 रन पे आउट हो जाए उसको आगे चांस मिलेगा? नहीं मिलता भाई, सेविंग्स रखनी पड़ती है। तुम्हें पता नहीं है जो 10 रन पे आदमी है 0 रन पे आउट हो जाता है ले, घर पे क्या माहौल होता है, सारे लोग रोते हैं, सब लोगों के आंसू छूट जाते हैं कि अगला मैच खेलने को मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। वो तो शुक्र है इस आईपीएल की बदौलत की इनके घर बार चल रहे हैं, घर बार दोनों चल रहे हैं, सेट है, सब लोगों को इंटरेस्ट है, कोई नॉर्मल लड़की से शादी नहीं करना चाहता, सारे क्रिकेटर्स मॉडल्स एक्ट्रेस से शादी करना चाहते, कितना अच्छा है यार, क्या माहौल बन रहा है। पुरानी पहले की एक्ट्रेस थी, एक्ट्रेस से शादी कर लेती थी, साले 4-6 साल रखते थे, फिर डिवोर्स हो जाते थे, फिर किसी और से कर ली, फिर डिवोर्स हो गया, आमिर खान को देख लो तीसरी शादी करने जा रहा, 2 डिवोर्स। क्रिकेटर सही है यार, विराट कोहली देखो अनुष्का से शादी कर रखी है, मरते दम तक निभाएगा यार, भले ही उसके 4 बार और सर्जरी करवानी पड़ जाए, इस बार सर्जरी अच्छी होगी, लेकिन पैसा बहुत छाप लिया है, क्योंकि पहली सर्जरी हुई थी गंदी हुई थी, पता नहीं कहां सस्ती अफगानिस्तान से करवा के आई थी, अनुष्का डोनाल्ड का जैसा मुंह बना दिया था उसका, इस बार अच्छी सर्जरी करवाएगा विराट भाई। सारे लौंडे अपने क्रिकेटर बढ़िया है, मॉडल्स की पार्टीज में जाते हैं, एक्ट्रेस की पार्टीज में जाते हैं, सारे बड़े बड़े एक्ट्रेस की बेटियों से शादी कर रहे, कितना नेक दिल लोग है यार ये। अभी रिसेंटली केएल राहुल ने सुनील शेट्टी की बेटी से शादी करी है यार, कितना नेक दिल, अपना करियर सेट कर लिया उसने अब, कि क्रिकेट चले ना चले सुनील शेट्टी का तो दुनिया भर का बिजनेस है, दिमाग है यार उनमें, सुनील शेट्टी का बिजनेस है, मैं बिजनेस ज्वाइन कर लूंगा, ले देगा दहेज में 2-4 रेस्टोरेंट, वैसे भी दहेज तो मोटा ही दिया है, दहेज लेना पाप है, उसने पहले ही कह दिया था मैं 1 रुपए का दहेज नहीं लूंगा अपनी तरफ से, भले तू 100 करोड़ रुपए दे दे मैं ले लूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा, दहेज नहीं लूंगा, दहेज के सख्त खिलाफ है हम, दहेज नहीं लेते वो लोग। इतने महान लोग हैं यार, तुम इतना मजाक कैसे उड़ा लेते हो यार, मैं तो रिपीट टेलीकास्ट देखता हूं भाई साहब आईपीएल के, मुझे तो लड़ाई देखने में इतना मजा आता है, पहले मैं बचपन में WWE देखता था तो मुझे लगता था यार ये तो फेक है, ओ सॉरी रियल है, थोड़ा सा बड़ा हुआ मुझे पता चल गया ये तो स्क्रिप्टेड है, ओ मुझे और मजा आने लग गया देख के, मेरे को अब तो स्क्रिप्ट है यार, अब पिक्चर के अंदर स्क्रिप्ट ही ना हो तुम्हें मजा आएगा देखने का? नहीं आएगा, सिंपल चलता रहेगा क्या मजा आएगा? जब स्क्रिप्ट आई तब पता चला, अरे 2 खिलाड़ी लड़ रहे हैं, गौतम गुलाटी, गौतम गंभीर गुलाटी कह रहा हूं, गौतम गंभीर लड़ रहा है विराट कोहली से, दे गंदी गंदी गालियां दे रहा, अरे मेरा तो घर ना रुतबा बढ़ गया है, बचपन में मैं गाली देता था, मेरी मम्मी मुझे चप्पल से मारती थी, ये गाली देता है कुत्ते हरामजादे, गाली देता है तू। अब जब से विराट कोहली आए, हरभजन सिंह आए, ये तो लाइव टीवी पे इंटरनेशनल चैनलों पे गाली दे रहे, मैंने कहा देखो मम्मी कितने बड़े बड़े लोग गाली देते हैं, देखो मेरे देश की सभ्यता कहां जा रही है मम्मी, अब हमारा रुतबा बढ़ गया, अब हम खुलेआम दे सकते हैं भाई साहब उन्हें, क्योंकि क्रिकेट मैच घर में चलता है तो बड़ी भयंकर भयंकर गाली देते हैं। तो मैंने कहा देखो गाली देना कितना कॉमन है मम्मी, तुम्हारी औलाद गंदी नहीं है, ये हमारे देश की सभ्यता है, ये इतने बड़े बड़े क्रिकेटर गाली दे रहे हैं तो गाली देना कोई बुरी बात नहीं मम्मी, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो गाली दे सकते हैं, तो उनको जाके यकीन आया कि हाँ भाई देश के जब इतने बड़े बड़े लोग गाली दे रहे तो हमारा बच्चा दे रहा है तो कौन सी गलत बात है, तो मम्मी मान गई, हालांकि मैं देता अब भी नहीं मम्मी के सामने। तो
और मेरे देश के क्रिकेटर, महान क्रिकेटर यार, मेरे को इतने ज्यादा पसंद है ना, इतने सत्यवादी लगते हैं मुझे यार, इतने इतने टैलेंटेड है यार ये लोग, क्रिकेट खेले ना खेले भाई, एड फिल्म लेके रीले वीले बना के ये अपना घर बार सेट कर लेंगे भाई। देखो सबको अपने फ्यूचर की, फ्यूचर बनाना सबका अपना चरम सिद्ध अधिकार है भाई, चाहे वो दारू बेच के बनाए, चाहे वो सिगरेट बेचे, चाहे वो किसी सेलिब्रिटी या किसी बड़े रिच बंदे की बेटी से शादी कर ले। और क्या यार, कब तक बेचारे रणजी खेलते रह जाते, आधे लोगों को तो बेचारे को वर्ल्ड कप में चांस भी नहीं मिलता था। ये लोग 30-30, 40-40 साल तक वर्ल्ड कप खेले जा रहे, नए जो 20-20 साल के लौंडे वो 32 के हुए जा रहे, उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा है। आईपीएल के थ्रू उनको मौका मिल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे सट्टा खेलने का भाई। अब क्या करे, गोली खा ले। 1.5 करोड़ रुपए अगर तुमको मिले और कोई बोले तुम्हें 25 बॉलों में 60 रन बनाने, भाई या तो तुम क्या करोगे भाई, दे दे पैसे यार, पैसे ले लोगे। जो भाई ऐसे नहीं होता यार, जो आदमी अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, 150 की रफ्तार से बॉल मुंह पे ले रहा है, तुम लेके देखो एक दफे को, हो जाएगी, ली जा रही है तुम पे, मुंह तोड़वाओगे अपना, नहीं होता भाई, किसी के बस की नहीं है इतनी बड़ी बातें करना। तो ये इन लोगों को अप्रिशिएट करो यार, क्या हो गया अगर पैसे लेके इन्होंने अगर एक सेशन बुक कर भी दिया तो, अगले के 100 खर्चे हैं, हैं? अभी वो नई गाड़ी आई थी मर्सिडीज मेबैक, उसे लेनी थी, पसंद है, क्या कर लेगा वो एक, वो वैसे भी 4 मैच में 0 पे आउट, और अगर 1 मैच में 12 रन बना के आउट हो गया तो क्या हो गया भाई। ठीक है वो अपनी जगह, तुम उन्हें बुरा मत कहा करो। तुम्हें आईपीएल क्यों पसंद है तुम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गाइस। ओम नमः शिवाय।